नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 207 वार्डो में जो नए पंचायत चुनाव का आयोजन नहीं होने वाला है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर कोई खास अपडेट सामने नहीं आई है, मगर पंचायत चुनाव की तैयारियों में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर ही एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत राजधानी पटना के 207 ऐसे वार्डो को चिन्हित कर लिया गया है जहां पंचायत चुनाव का आयोजन नहीं होने वाला है। ये ऐसे वार्ड है जो कि इस बार शहरी क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं, इसीलिए अब इन वार्डों में पंचायत चुनाव का आयोजन नहीं होने वाला है। इस संबंध में पंचायत राज विभाग की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आदेश के आलोक में जिला प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना जिले में कुल मिलाकर 4354 वार्ड है, जिनमें 207 वार्डों को शहरी क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। अब 4147 वार्ड ही बचे रह गए हैं जहां इस बार पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है। जिन प्रखंडों में वार्डों को शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया है उसमें सबसे अधिक संपतचक में 62 वार्ड शामिल है। इसके तहत ही बिहटा प्रखंड में 57, पालीगंज प्रखंड में 40, मसौड़ी प्रखंड में 19, पुनपुन में 18, धनरुआ प्रखंड में 11 वार्ड शामिल है। नए परिसीमन में पटना जिले की 18 पंचायतें आंशिक रूप से पूरे तरीके से प्रभावित हुई है। पटना जिले में कुल 322 पंचायतें मौजूद है, लेकिन इस बार 308 में ही पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है। अधिकारियों ने इस बाबत कहा है कि नए परिसीमन के आधार पर ही पंचायत चुनाव करने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, सरकार की इस योजना को सफल बनाने के लिए ही कार्मिक कोषांग और ईवीएम कोषांग का गठन भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव को लेकर लगभग 1500 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिए जाने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम रखा जाएगा उसका भी चयन कर लिया गया है। इसके साथ ही सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक कंट्रोल रूम का निर्माण करवाने की भी तैयारी हो रही है, जहां से चुनाव व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। जिला स्तर पर भेजी जाने वाली ईवीएम प्रखंडवार मतदान केंद्रों पर भेजी जाएगी। हालांकि अभी पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग को आपसी सहमति से ईवीएम की खरीदारी के लिए एनओसी संबंधी विवाद को सुलझाने की बात कही थी। साथ ही कई अन्य उपाय पर भी इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द करने का सुझाव दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को जवाबी हल्फनामा दायर करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही राज्य सरकार के महाधिवक्ता को इस मामले में हाजिर होकर कोर्ट को सहयोग करने का आग्रह किया गया है। गौरतलब है कि सूबे में होने वाले पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीद के लिए चुनाव आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। दायर की गई याचिका में चुनाव आयोग की तरफ से 21 जुलाई 2020 को जारी उस हिस्से को चुनौती दी गई है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम वीवीपैट की आपूर्ति और डिजाइन के पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेने के लिए अनिवार्य किया गया था। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।